अनाउंसमेंट हो गया उसका, गाड़ी आएगा अभी इधर से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू माय न्यू ब्लॉग। आज बहुत जोरदार बारिश हो रहा है, अब मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ। 5:20 बज जाए अभी, देखो कैसा बारिश हो रहा है, बहुत बारिश है। आज मैंने डिसाइड किया साइकिल में नहीं जाऊँगा, बस में जाऊँगा। जाने का टाइम तो बस में जाएंगे, लेकिन आने का टाइम मेट्रो में आने की कोशिश करेंगे। तो चलो निकलते हैं। बारिश तो पूरा रुक गया, तो आज मेरा 40 रुपया नुकसान है। लेकिन रात भर कितना बारिश हुआ है, देखो चारों तरफ फुल बारिश है, रास्ता पूरा पानी पानी। साइकिल में भी जा सकता था, फिर क्या करे, आ गया। शायद बस आ रहा है, बस का केयर मार्केट, केयर मार्केट पूरा बस खाली है भाई, हम बस से उतर गए। चलो पार हो गया ना, चलो मैं तो पहुंच गया हमारा कंपनी में। चलो ये तो खुला है, चलो भाई टाइम पे आके पहुंच गया मैं। अभी 2 बजे तक मेरा ड्यूटी रहेगा, 2 या 2:30 बजे तक, फिर उसके बाद ही फिर मिलेंगे, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है कैमरा। चलो कैमरा फोर आ गया, तो भाई मेरा ड्यूटी अभी ख़त्म हो गया। आज तो साइकिल नहीं लाया हूँ, देखूँगा बस में जाऊँगा नहीं तो मेट्रो में जाऊँगा। बस में जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब रोकड़ा नहीं है, रोकड़ा चाहिए बस में जाने के लिए, फोन पे गूगल पे में नहीं होता। चलो चलते हैं, मेट्रो में जाएंगे आज, क्योंकि ऐसे भी बारिश आ रहा है, तो जल्दी पहुँचने रूम नहीं तो बारिश में भीगना पड़ेगा। ये एंट्रेंस है, इधर से आप एलिवेटर से भी जा सकते हैं, और इधर से सीढ़ी है, सीढ़ी से भी जा सकते हो, मतलब दोनों बाजू रास्ता है। ऐसा ही उसका पैसेज एरिया, इधर से टिकट लेना है। थैंक यू। ये टोकन यूज होता है मेट्रो के लिए, इधर देख रहे लेफ्ट साइड जाना है, इधर कोई नहीं गया होगा, इधर से जाएंगे ऊपर। ओ उधर से गाड़ी आ रहा है, हम इस तरफ से जो गाड़ी आएगा इस तरफ से का गाड़ी के हम जाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ जाना है। चलो चला गया, अनाउंसमेंट हो गया उसका, गाड़ी आएगा अभी इधर से। स्टेशन से उतर गए अभी, काड़ेगुड़ी ट्री पार्क, यही मेरा डेस्टिनेशन था।
यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा मुझे 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर। तो बारिश हो रहा है फुल्लू, जब भी यहाँ आता हूँ बारिश होता है। अगली बार भी आया था बारिश हुआ था भाई, देखो कैसा बारिश है, पूरा भयंकर बारिश है यार। और ट्रैफिक भी पूरा पानी पानी है, पूरा पानी पानी। उस तरफ जाएंगे क्योंकि उधर से बस आएगा, वो बस में जाएंगे। फंस गया यार मैं ट्रैफिक में, इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी। इधर तो बारिश नहीं है भाई, वो फार में इतना बारिश पूरा भीग गया मेरा नीचे। देखो सूट बूट जब भी है, मेरे पास एक्चुअली 5 रुपया चिल्लर था, 5 रुपया दे के बस में आ गया। अगर 5 रुपया नहीं होता ना, नहीं आ पाता, चल कर आना पड़ता। रुको 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 रुको, चलो यार रास्ता पार हो गया। मैं इधर लगता है बारिश मेरे रूम में पहुंचने तक नहीं छोड़ेगा। जिस दिन मैं मेट्रो में आता हूँ ऐसा ही सिचुएशन हो जाता है। इससे पहली बार भी मैं ऐसा ही आया था मेट्रो में और ऐसे ही बारिश को फेस किया था मैंने। यही है बेंगलोर का बारिश। तो भाई फाइनल हम आके पहुँच के रूम के पास। बहुत तकलीफ यार, बहुत तकलीफ से आया। सब नाइट शिफ्ट वाला सोए हुए। तो भाई मैं बारिश में भीग भीग के आया ना, मुझे बहुत रेस्ट की जरूरत था। आज का बारिश भी बहुत कमाल का था। मतलब ये पिछले 2-3 महीने में ऐसा बारिश नहीं हुआ था। सबसे बड़ा बात यह है कि मैं लास्ट टाइम पे जो मेट्रो में गया था घूमने के लिए, मैं ऐसे ही कंपनी से आ रहा था मेट्रो से, ऐसे ही बारिश को मैं फेस किया था जो आज मैं फेस किया। पर शू वगैरह सब गीला हो गया है, पता नहीं सुबह फिर कैसे पहन के जाना है। लास्ट 2 दिन से मैं काम से निकलते निकलते 1 घंटा ज़्यादा हो जाता है, मुझे 2 बजे निकलने वाला था लेकिन 3 बज जाता है। इसलिए मेरे आने का टाइम, फिर मेरा जो खाने का टाइम, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। खैर कोशिश करेंगे टाइम से जाके फिर टाइम से रिटर्न आना। हमारे आदमी भी क्या है, कंपनी जैसा नचाता है हम ऐसे ही नचते हैं। और बारिश, तब से बारिश हो रहा था, कंटिन्यू लगातार बारिश हो रहा था। अभी 8:30 बजे थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा अभी कम हुआ है। जो हमारा नाइट शिफ्ट वाला अभी गए हैं ड्यूटी में, नहीं तो और लगातार बारिश हो रहा था तब से। मैं तो खाना खा लिया, अभी जो नाइट शिफ्ट वाला खाना खा के चले गए, अभी मोटू खाना खा रहे हैं।